विमेन, इंडियन विमेन, ये वो सिंबल है जिन्होंने हमेशा से एक्टिव रोल प्ले किया है इंडियन सिविलाइजेशन में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडियन नेशनलिज्म में और नेशन बिल्डिंग में। तो ये सारी टर्म्स में अगेन जो सेंट्रल रोल प्ले करती आई हैं वो हैं इंडियन विमेन। हम लोगों का नेशन और नेशनल इथॉस हमेशा से रहा ऐसा है जिसमें हम लोगों ने वेमेन को हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हालांकि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ सोसाइटल स्ट्रक्चर्स आए जहां पर डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने देखा है कैसे होता है, पर उसको ओवर करते हुए कुछ वेमेन के एग्जाम्पल आज हम लिस्ट करेंगे जो कि अगेन बिकम्स द मोस्ट इनक्रेडिबल वेमेन, द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में अगेन दिस आइडिया कि हम लोगों ने कैसे कॉलोनियल रूल से अपने आप को आज़ादी दिलाई और उसमें विमेन का क्या रोल है, तो वो एक हमेशा से पॉइंट रहता है जो हम लोग एम्फसाइज करते हुए आए हैं। तो आइए जानते हैं। तो पहला नाम मैं लूँगी खूब लड़ी मर्दानी, वो हो तो रानी लक्ष्मी बाई। तो अगेन झांसी वाली रानी। तो दिस आइडिया हाउ एवर ये जो एनालॉजी है ये मुझे थोड़ा सा अटपटी लगती है क्योंकि मर्दानी वाई टू एक्चुअली हैव दिस इक्वेशन ऑफ करेज विद मैनलीनेस। तो चलो कीपिंग दैट असाइड लेट्स डिस्कस दिस ग्रेट वुमेन रानी लक्ष्मी बाई। तो रानी लक्ष्मी बाई की अगर बात करें तो इन्होंने इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था प्ले, और इन्होंने अगेन द आइडिया कि कैसे ब्रिटिशर्स को अगेंस्ट इन्होंने एक बहुत ज़्यादा फ्रंट रखा था। इनके फादर, अगर इनके फादर देखा जाए तो ये एक ब्राह्मण थे और दिस आइडिया ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज वेरी सेंट्रल टू, वेरी मच सेंट्रल अगेन कमिंग फ्रॉम ब्राह्मणिकल फैमिली। तो उस टाइम्स में किस तरह से सोसाइटी होती थी, तो उन कंस्ट्रक्शंस को तोड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ी। और उन्होंने अगेन अगर उनकी बात करा जाए तो उनकी शादी तो वैसे जल्दी ही हो गई थी, तो 8 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी राजा गंगाधर राव से और वो बन गई थी रूलर ऑफ झांसी। ये कपल क्या जो अगर देखा जाए तो हैप्पी मैरिज थी, पर अगेन ट्रेजिडी होती है और राजा गंगाधर राव जो है वो सडनली 1853 में मर जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई विडो हो जाती हैं एट द एज ऑफ मेयर 25। तो रानी लक्ष्मीबाई ने लेकिन हार नहीं मानी, उन्होंने कहा कि वो अपनी झांसी को प्रोटेक्ट करेंगी फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। तो शी बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल रहा है हमारे स्ट्रगल में और जहां से पावर डिराइव करते हैं। जब भी हम लोग बात करते थे ब्रिटिशर्स को भगाने की तो 1857 का रिवोल्ट हम सबके सामने आता है और उसमें मेजर रोल प्ले करने वाली थी रानी लक्ष्मीबाई। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे बेगम हजरत महल का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रही है 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ये बेगम थी, बेगम ऑफ अवध, और इनके हस्बैंड थे नवाब वाजिद अली शाह। इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे, तो व्हेन द ब्रिटिशर्स एक्साइल्ड हर हस्बैंड एंड टुक कंट्रोल ऑफ द अवध, शी बिकेम द लीडर ऑफ रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो ये अगेन दिस आइडिया कि विमेन ने एक लीडरशिप रोल प्ले किया, तो उसमें एग्जांपल में यहाँ पे हमें मिलती हैं बेगम हजरत महल। तो इन्होंने रिबल फोर्सेस को ऑर्गेनाइज किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक वॉर फ्रंट रखा। तो दिस अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड शी इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी डिटरमिंड विमेन हु हैज लेड अ फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देंगे कस्तूरबा गांधी। येस, वी हैव टू टॉक अबाउट हर, वी हैव ऑलवेज बीन एम्फेसाइजिंग द गांधीज रोल, बट वी ऑल्सो हैव टू एम्फेसाइज कस्तूरबा गांधी द वुमेन हु हैज ऑल्सो लेड मेनी फ्रेंड्स। तो अगर इनकी बात करें तो ये जो थी, इनका जो शादी हुआ था वो मोहनदास करमचंद्र गांधी से हुआ था एट द मेयर एज ऑफ 13 एंड शी हैड 4 चाइल्ड विद हिम। तो इनकी बात करें तो अगर साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल में हर जगह उन्होंने पूरा साथ निभाया। कस्तूरबा गांधी जो थी वहाँ पे रहीं, साउथ अफ्रीका गईं, वहाँ पे अगेन दिस आइडिया ऑफ लीडिंग अ मूवमेंट ऑफ दिस आइडिया ऑफ विमेन आइडिया कि कैसे उन्होंने जो ये आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस था उसको कैसे बढ़ाया, तो ये सब हमें दिखता है। और दिस अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वी कैन नॉट हैव द आइडिया ऑफ साइलेंट वुमेन बिकॉज शी हैज़ नेवर बीन साइलेंट, शी हैज़ रेज्ड हर वॉइस एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे विजय लक्ष्मी पंडित का। अब विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो एक प्रोमिनेंट लेडी फ्रीडम फाइटर थी इंडिया की।
अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था और शी वॉज एजुकेटेड इन इंग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड। उसके बाद भी वो वापस आती हैं इंडिया और फिर वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक्टिव मेंबर रहती हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और उसके साथ साथ वो वर्क करती रहीं महात्मा गांधी के साथ। शी वॉज अरेस्टेड सेवरल टाइम्स जब ये स्ट्रगल चल रहा था, बट शी नेवर गिव अप एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंस के बाद भी शी सर्व्ड एज द फर्स्ट एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन, so this also becomes very important. She later served as the president of United Nations General Assembly. तो ये एक लीडर है जो कि अगेन लीडरशिप रोल प्ले करते हुए हमें दिख रही हैं। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू द नाइट एंगल ऑफ इंडिया, तो दिस आइडिया ऑफ प्रोमिनेंट ऑफ बींग अ प्रोमिनेंट फीमेल फ्रीडम फाइटर, इनका एग्जाम्पल में अगेन सरोजनी नायडू आती हैं। इनके बात करें तो ये हैदराबाद में इनका जन्म हुआ, और इसके अलावा अगर हम देखें तो नायडू जो थी इनका जो मतलब पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज थी। ये किंग्स कॉलेज जो लंदन का है वहाँ पे भी ये पढ़ी हैं। इसके बाद जब वापस आती हैं इंडिया में, फिर वहाँ पे वो वेमेन एम्पावरमेंट के केस और पावर्टी के अगेंस्ट, इलिटरेसी के अगेंस्ट, इस सब तरह की मुहिम चलाती हैं। ये पार्टिसिपेट करती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में और लीड करती हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो वो गिंग क्विट इंडिया मूवमेंट से सिम्बॉलिज्म से लिंक होती हुई हमें दिखती हैं सरोजनी नायडू। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अलावा क्योंकि जो हम लोग बात करते हैं गांधी की, तो गांधी एंड हिज स्टैंड ऑन वेमेन, तो दैट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो कैसे इनके ही उस पर कि भैया वेमेन को भी इंक्लूड किया जाए, तो अगेन क्विट इंडिया मूवमेंट को ही लीड करते हुए हमें देखते हैं ऑन वेमेन्स फ्रंट। एंड यस शी बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड फर्स्ट वेमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो दिस अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली बहुत लोगों ने नाम सुना ही होगा, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए बात करते हैं अरुणा असफ अली की। तो अरुणा असफ अली जो थी वो एक लेडी फ्रीडम फाइटर रही हैं, एक पॉलिटिकल लीडर थी, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में। अगर बात किया जाए तो ये ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, और इनका जो इन्वॉल्वमेंट आई एन ए में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ये अरेस्ट भी हुई थी 1932 में क्योंकि ये इन्वॉल्व थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और इन्होंने 9 महीने प्रिजन में यानी जेल में अपने बिताए। फिर से वो अरेस्ट हुई तो ये अरेस्ट होने का सिलसिला चलता रहा, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे अब जब वो रिलीज़ होती हैं उसके बाद वो अगेन फिर भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहती हैं, और फिर वो मेयर बनती हैं दिल्ली की फ्रॉम 1958 टू 1967। और ये लाइव्स ऑफ वेमेन और माइनॉरिटीज़ के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा परचम इंडिपेंडेंस के बाद भी लहराता रहा इनका। इसके बाद हम बात करेंगे मैडम भिकाजी कामा की। मैडम भिकाजी कामा जो है ये एक ऐसी हीरो रही हैं, अगेन ये एनालॉजी ऑफ हीरो इज समथिंग दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट यस शी हैज़ बीन अ हीरो, शी हैज़ बीन अ सिंबल जो कि पैट्रियट का, नेशनलिज्म का, और फोर फ्रंट में इन्होंने लड़ा है इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। इनकी स्टोरी अगर देखा जाए तो ये जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई आई हैं राइट फ्रॉम द होम रूल मूवमेंट, जिसमें उन्होंने मोबिलाइज़ किया मासेस को। उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंटल रही डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। इक्वल राइट्स की बात करती थी, तो द आइडिया ऑफ इक्वल राइट्स, द ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी ऑन एवरी फ्रंट, तो ये इसमें अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए आती हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, इन्होंने बात किया है इक्वालिटी, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कमला चट्टोपाध्याय। कमला चट्टोपाध्याय की अगर हम बात करें तो ये अगेन द आइडिया कि कैसे उन्होंने एक स्ट्रगल लीड किया है, और उनका जो इम्पोर्टेंस है वो हम नहीं भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ये कैसे कंटिन्यू करती हैं नेशनल मूवमेंट को, कैसे फिर INA को लॉन्च करती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करती हैं, फिर उसके बाद मूवमेंट लीड करती हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स में ये आगे आती हैं। तो इनका अगेन दिस आइडिया कि हाउ शी ऑल्सो हेल्प इन ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो दिस ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द आइडिया ऑफ कल्चर इज ऑल्सो बीन सेंट्रल टू कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किट्टूर चेन्नम्मा। किट्टूर चेन्नम्मा की अगर बात करूँ तो ये जो है वो फर्स्ट वुमेन रही हैं जिन्होंने लीड किया था आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हम लोग इनके बारे में जानते ही नहीं है, तो इसीलिए आइए जानते हैं
हम लोग रानी किट्टूर चेन्नम्मा के बारे में। तो ये नेशनल हीरो हैं कर्नाटका की और कर्नाटका से ही आई हैं। इन्होंने फ्रीडम कोर लीड किया है। ये अगर देखा जाए तो रॉयल फैमिली में इनका जन्म हुआ था 1778 में और फिर इनकी शादी हो गई थी यंग एज में ही। उसके बाद ये किट्टूर की में अगेन वहाँ पर रहती हैं। 1824 में अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं कि भैया हम किट्टूर को एनेक्स कर लेंगे। एनेक्सेशन की पॉलिसी तो हम लोग जान ही रहे हैं ब्रिटिशर्स की। तो रानी किट्टूर चेन्नम्मा जो है वो रिफ्यूज़ करती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और ये आर्मी को लीड करती है अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस। और फिर अगेन शी बिकम्स दैट सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। तो दिस अगेन वेरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू लीड दिस आर्म स्ट्रगल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सावित्री भाई फुले। सावित्री बाई फुले की अगर हम बात करें तो ये सोशल रिफॉर्मर। तो सोशल रिफॉर्म अगेन इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो इन्होंने वेमेन के बारे में और लोअर कास्ट के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में बात किया है। अगर बात की जाए तो सावित्री बाई फुले, दिस वेमेन इज एसोसिएटेड विद द स्कूलिंग एंड द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, उन्होंने वर्क किया है कि भैया इनका एजुकेशन, क्योंकि उनके हिसाब से एजुकेशन जो है वो एक बेसिक क्राइटेरिया बनता है फॉर नेशनल प्रोग्रेस। तो वहाँ पे उन्होंने किया, इन्होंने 1873 में शी फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। ये अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इन्होंने कहा कि भैया कास्ट सिस्टम का मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है और इसको अगेन इसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो शी हैज़ बीन वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंजेस इन इंडिया। तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग विल्ड वेमेन जो कि एग्जाम्पल बनती हैं, जो कि सिंबल बनती हैं। हर वेमेन जिनका मैंने नाम लिया है वो सिंबल है। एंड एवरी वेमेन टुडे हैज़ टू कम फॉरवर्ड एंड हैज़ टू वर्क टूवर्ड्स नेशनल प्रोग्रेस एंड नेशंस प्रोग्रेस, नेशन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि नेशन कंस्ट्रक्शन हर स्टेप पे हो रहा होता है। तो वी ऑल हैव टू कम फॉरवर्ड। तो देर आर इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स, बट येस वी कुड लिस्ट ओनली फ्यू ऑफ देम। बट वी हैव वी टूडे फ्रॉम दिस आइडिया, जो इनसे इंस्पिरेशन लेते हुए हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करते जाना है। सो येस सर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।